नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। जानिए लाभार्थियों को कब मिलेगी मुख्यमंत्री लघु उद्यम योजना की दूसरी किस्त। प्रदेश में कई जगहों पर तेज आंधी तूफान में प्रभावित हो रही बिजली आपूर्ति। आज है फ्रेंडशिप डे, जाने इसका महत्व। बिहार के 12 जिलों के ग्राम पंचायत में बनेगा पुस्तकालय। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जय शाह ने किया बड़ा ऐलान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार लेकर आई है समग्र गव्य विकास योजना। बिहार में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी में से एक है सरकार समग्र गव्य विकास योजना। इस योजना के तहत दूध डेयरी व्यवसाय या दुधारू पशुओं की इकाई स्थापित की जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 15 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। सरकार इस योजना के तहत 40 से लेकर 75% तक का अनुदान इस योजना के तहत देसी गाय पालने के लिए दे रही है। इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ ही युवाओं को रोजगार मिल सके है। जानिए लाभार्थियों को कब मिलेगी मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत पहली किस्त दी जा चुकी है। उन्हें उद्योग विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी। जब लाभार्थी 3-4 दिनों की ट्रेनिंग ले लेंगे तब उन्हें दूसरी किस्त का लाभ मिलेगा। जिला स्तर पर DRCC सेंटर पर प्रशिक्षण का काम चल रहा है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जा रहा है जिनकी जातीय गणना के समय मासिक आय 6,000 रुपये से भी कम आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा ऐसे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना की घोषणा की गई। पटना में अतिक्रमण हटाने को लेकर चलेगा विशेष अभियान। अतिक्रमण के खिलाफ 5 अगस्त को राजधानी पटना में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 5 टीम का गठन हुआ है। टीम का गठन जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा द्वारा किया गया है। अतिक्रमण के विरुद्ध ये स्पेशल ड्राइव चलाएंगे। यह एक मल्टी एजेंसी अभियान होने वाला है। इसे पटना नगर निगम के 4 अंचलों नूतन राजधानी, पाटलिपुत्र, बांकीपुर और कंकड़बाग अंचल के साथ नगर परिषद दानापुर निजामत में चलाया जाएगा। प्रदेश में कई जगहों पर तेज आंधी तूफान में प्रभावित हो रही बिजली आपूर्ति। तेज आंधी तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। 23 और 11 KVA से अधिक फीडरों की बिजली आपूर्ति पटना में शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद प्रभावित हुई। बिजली आपूर्ति प्रभावित होने से शहर की लाखों आबादी बिजली कटौती से परेशान हो रही है। बिजली प्रभावित होने की यह समस्या तेज आंधी तूफान में बैनर, पोस्टर और पेड़ की डाली तार पर गिरने से हो रही। नॉर्थ बिहार में 24,000 मेगावाट तो वहीं दक्षिण बिहार में 3,000 मेगावाट शनिवार को पीक आवर में बिजली की आपूर्ति की गई। वहीं आमतौर पर अन्य दिन बिजली की आपूर्ति 7,000 मेगावाट से अधिक देखने को मिलती है। बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में विकसित होगा एक एक ग्रीन फील्ड टाउनशिप। बिहार राज्य में नए शहर बसाने के उद्देश्य से 9 ग्रीन फील्ड टाउनशिप बनाने की तैयारी की जा रही है। इस टाउनशिप को 2000 एकड़ में बनाने की तैयारी है और प्रत्येक प्रमंडल में एक टाउनशिप तैयार होगी। टाउनशिप बसाने के बिहार सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार कुल जमीन का केवल 10% ही जमीन अधिग्रहण करेगी और बाकी जमीन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत स्थानीय लोगों की मदद से टाउनशिप डेवलप होगा। इस योजना को मार्च के महीने में कैबिनेट से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद विकास आयुक्त की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है और विभाग के अनुसार सितंबर महीने से इन शहरों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आज है फ्रेंडशिप डे, जाने इसका महत्व। आज फ्रेंडशिप डे है। दोस्ती दो लोगों के बीच का एक ऐसा रिश्ता होता है जो जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शक, सलाहकार और शुभचिंतक सभी का कर्तव्य निभाता है। दोस्ती को खास बनाने के लिए अगस्त के पहले रविवार को लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। क्या आपको पता है कि फ्रेंडशिप डे अगस्त के पहले रविवार को ही क्यों मनाते हैं? तो आपको बता दें कि पहली बार फ्रेंडशिप डे अमेरिका में वर्ष 1935 में मनाया गया था। शुरुआत में इसे अगस्त के पहले महीने में दोस्ती के प्रतीक के तौर पर मनाया गया, लेकिन आगे चलकर इसे हर साल अगस्त के पहले रविवार को मनाने का फैसला लिया गया और तब से लेकर आज तक हम इसे सेलिब्रेट करते हैं।
बिहार के इस होनहार बच्चे ने किया देश विदेश में बिहार का नाम रोशन। बिहार में प्रतिभाशाली बच्चों की कमी नहीं है, यह बात साबित किया है बिहार के पटना के अनिसाबाद का रहने वाला 10 वर्षीय प्रीत गंधर्व ने, जो अपनी उम्र से भी अधिक मेडल अपने नाम कर चुका है। प्रीत गंधर्व एक उभरता हुआ कराटेबाज है और अब तक अपनी जर्नी में अपनी उम्र से दोगुने मेडल जीत चुका है। प्रीत ने अब तक कुल 20 मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल शामिल है। इंटरनेशनल लेवल पर प्रीत ने अब तक 4 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल अपने नाम कर देश और राज्य का नाम रोशन किया है। वहीं नेशनल लेवल पर प्रीत ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। स्टेट लेवल की बात करें तो 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल प्रीत के नाम है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रीत ने 1 मेडल जीता है। बिहार के 12 जिलों के ग्राम पंचायत में बनेगा पुस्तकालय। सभी जिलों के ग्राम पंचायत में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की पहल पंचायती राज विभाग द्वारा की गई है। पुस्तकालय की स्थापना का फैसला पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता द्वारा एक समीक्षा बैठक में लिया गया। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने पाया कि राज्य के 12 ऐसे जिले हैं जहां किसी भी ग्राम पंचायत में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। जिन जिलों में ग्राम पंचायत में एक भी पुस्तकालय नहीं है, उसमें बांका, बेगूसराय, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय और मधेपुरा जिला शामिल है। इसलिए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय संचालित करने की पहल पंचायती राज विभाग की तरफ से की गई है, ताकि गांव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अभ्यर्थी कर सके। शहरी गरीबों के लिए बिहार में बनेगा बहुमंजिला आवास। बिहार में शहरी गरीबों के लिए सरकार द्वारा बहुमंजिला आवास की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई है और अब कार्य योजना बनाने का काम चल रहा है, जो अपने अंतिम चरण में है। पहले चरण में राजधानी पटना समेत 7 शहरों में आवास बोर्ड की जमीन पर आवास बनाए जाएंगे। इसके बाद जन निजी भागीदारी मोड के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य किए जाएंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार इस महीने से काम के शुरू होने की संभावना है। IRDA की सहमति मिलने के बाद तुरंत ही विभाग की ओर से कार्य योजना तैयार किया जाएगा। पटना सहित मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी में भी आवास बनेंगे और बाद में अन्य शहरों में भी इसे शामिल किया जाएगा। अलकायदा ने दिया बिहार CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा के नाम पर मेल भेजकर बिहार को बड़ी धमकी दी गई है। बिहार CMO को बम से उड़ाने की धमकी अलकायदा की ओर से दी गई है। मामले के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस उस ID की जांच में जुटी हुई है, जिससे यह मेल आया है। इस मामले में सचिवालय थाने में BNS की धारा 351(2) और 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है और ATS मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि यह मेल 16 जुलाई को किया गया था, जिसके बाद बिहार पुलिस कार्यवाही में लगी हुई है। परिवहन विभाग ने जारी किया सख्त आदेश, अब जल्द करना होगा ये जरूरी काम। बिहार में परिवहन विभाग लगातार सख्त कदम उठा रहा है। अब इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि अब बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अनिवार्य है। अगर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है तो इस परिस्थिति में आपका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी गई है। साथ ही डाटा वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट नहीं होने पर चालक और मालिक पर कार्यवाही करने की हिदायत भी दी गई है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग के 16 इंजीनियरों का हुआ तबादला। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में 16 इंजीनियरों का तबादला कर दिया गया है। अभियंता प्रमुख भगवत राम को प्रोन्नति देकर अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव बनाया गया है। भागलपुर के मुख्य अभियंता श्री प्रकाश को विभाग का अभियंता प्रमुख के पद पर प्रोन्नति किया गया है। वहीं पूर्णिया के मुख्य अभियंता निर्मल कुमार को पटना का मुख्य अभियंता का पद सौंपा गया है। वहीं पटना के मुख्य अभियंता शशि शंकर प्रसाद को पूर्णिया का मुख्य अभियंता के पद पर तबादला कर दिया गया है। राजस्थान का मेडिकल स्टूडेंट नीट पेपर लीक मामले में पटना से हुआ गिरफ्तार। मेडिकल के एक छात्र को नीट पेपर लीक मामले में CBI ने गिरफ्तार किया है। इस छात्र की गिरफ्तारी पटना से की गई है। यह राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित एक मेडिकल कॉलेज का छात्र है, जिसका नाम संदीप कुमार है। इसे पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट से CBI ने 7 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने इसे 5 दिनों की रिमांड दी है। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 9 मेडिकल स्टूडेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं।
प्रशांत किशोर का ऐलान, 2025 में होगा बिहार से पलायन खत्म। जन सुराज अभियान के तहत बिहार की पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने मधेपुरा में स्थानीय लोगों से बातचीत कर गांव की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आपके घर के संवाग जो रोजगार के लिए बाहर गए हैं उन्हें कॉल कर बता दीजिए कि अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 2025 में जब छठ पूजा के समय आपके घर के लोग आएंगे तो दोबारा उन्हें नौकरी या मजदूरी करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वादे तब पूरे किए जाएंगे जब आप भी समाज को सुधारने के लिए आगे आएंगे। आज से आपको संकल्प लेना होगा कि आधा पेट खाएंगे मगर अपने बच्चों को शिक्षा देंगे। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए जय शाह ने किया बड़ा ऐलान। भारतीय टीम श्रीलंका में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेल रही है। इसी बीच भारतीय क्रिकेटरों को बीसीसीआई ने बड़ी सौगात दी है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा है कि यह घोषणा करते हुए बहुत उत्साहित हूं कि बीसीसीआई नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही बेंगलुरु में खुलेगी। नए एनसीए में 3 विश्व स्तरीय खेल मैदान, 45 अभ्यास पिचे, इंडोर क्रिकेट पिचे, ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल और अत्याधुनिक प्रशिक्षण, रिकवरी और खेल विज्ञान सुविधाएं होंगी। यह पहल हमारे देश के वर्तमान और भविष्य के क्रिकेटरों को सर्वोत्तम संभव वातावरण में अपने कौशल विकसित करने में मदद करेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत से लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, रिंकू यादव, परशुराम सिंह, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, मोतीलाल कुमार, कस्तूरी शर्मा, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके ग्राम पंचायत में पुस्तकालय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।